हाय फ्रेंड, हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में महत्वपूर्ण समितियां और आयोगों की सूची, जो इस वीडियो में है, जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुआ है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला है राजा चेल्या समिति कर सुधार से। दूसरा है रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से। उसके बाद महाजन समिति चीनी उद्योग से। उसके बाद अगला है खुसरो समिति है कृषि ऋण प्रणाली से। अगला है हनुमंत राव समिति उर्वरक से। उसके बाद अगला है अजीत कुमार समिति सेना वेतनमान से। उसके बाद भूरे लाल समिति मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए। उसके बाद अगला है बलवंत मेहता समिति, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पंचायती राज संस्थाएं से। तो अगला देखते हैं। अगला है केलकर समिति कर संरचना सुधार से। उसके बाद है अगला सी रंगराजन समिति गरीबी क्षेत्र के निर्धारण के लिए। ये सब समितियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो किसके लिए बनाया गया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो बार बार रिपीट हुआ है, उसी को इसमें शामिल किया गया। सी रंगराजन समिति गरीबी क्षेत्र के निर्धारण के लिए। अगला है शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए। अगला है नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। उसके बाद है जीबी रामकृष्ण समिति विनिवेश पर आधारित है। उसके बाद गोईपोरिया समिति प्राथमिकी सहरी सरकारी बैंकों में ग्रामीण सेवा सुधार के लिए। उसके बाद जानकी रमन समिति प्रतिभूति लेन देन से। अगला है कठोरी आयोग भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच के लिए। उसके बाद एमबी शाह कमेटी विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए। अगला है मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा के लिए। उसके बाद अगला है मीरा सेठ समिति
हथकरघा का विकास के लिए, हथकरघा के विकास के लिए। अगला है पारेख समिति। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। अगला है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना से। अगला है आर बी गुप्ता समिति कृषि ऋण से। अगला है सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध से। उसके बाद अगला है के संतानम समिति CBI की स्थापना से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा को पुनर्परिभाषित करना और उसकी गणना करना सूत्र है। अगला है एस एन वर्मा समिति वाणिज्य बैंकों की पुनर्गठन से। उसके बाद अगला है स्वामीनाथन आयोग किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को पता लगाना से संबंधित। अगला है तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता का रिपोर्ट। उसके बाद वाईबी रेडी समिति आयकर छूट की समीक्षा। अगला है न्यायमूर्ति एके धर आयोग सातवां वेतन आयोग से। उसके बाद है बाघुल समिति भारत में मुद्रा बाजार से। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।